खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, मैं हूँ आपके साथ आसिफ रशीद। नाज़रीन मोहतरम, कुछ अहम बातें आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ मुल्की सतह की बात है, कुछ रियासती सतह की बात है, कुछ सियासत की बात है, कुछ इंतज़ामिया नट बोल्ट्स को टाइट करने की कोशिश में है, वो नट बोल्ट्स कितने टाइट होंगे नहीं होंगे वो बात हम आपके सामने रखेंगे। और कुल मिलाकर आपको ये बताएंगे कि साल 2021 के अंदर सियासी उथल पुथल किस तरीके से होगी, ये सारा कुछ होगा जी इस 90 मिनट के प्रोग्राम में जो हम आपके सामने रखेंगे। वक्फे वक्फे से ये प्रोग्राम आप तक आएगा, यानी 2-3 ब्रेक्स हम इसमें लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे तो ज़रूर आपकी बात को सुना जाएगा, यानी वो पड़ाव आएगा जब हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप और हम बराह रास्त बात करेंगे। प्रोग्रामों के हवाले से भी आज आप अपनी आरा जरूर रखिएगा और साथ साथ अपनी आवाज़ हुकूमत तक आप बेहतर अंदाज से पहुंचाएंगे, लेकिन वो होगा वक्त 9:35 के आसपास। लेकिन फिलहाल खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे, और आज शुरुआत जो है वो आर्मी की खबर से करते हैं, क्योंकि खबर इसलिए आर्मी की बतानी है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं कि जनाब जासूसी हो रही है और जासूसी को लेकर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ भी होती है, लेकिन इन दोनों खबर जो है वो ये है कि नॉर्दर्न कमांड के अंदर भी जासूसी हुई थी। गुज़श्ता दिनों हमने आपको इस खबर की एक झलक बताई थी कि जासूसी के दौरान एक जवान की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब मजीद तहकीकात आगे बढ़ रही है और तहकीकात के दौरान नॉर्दर्न कमांड से 3 जवानों की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मामला सामने आ रहा है। और इस बीच आपको बताते चलें कि 4 रोज कबल गुलिस्तान न्यूज पर आपको सबसे पहले खबर बताई गई थी कि एक फौजी जवान को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई थी। फौज का डेटा लीक करने के का उस पर इल्जाम था, और इसमें जब तहकीकात हुई, आज तकरीबन 4th दिन है इस वाकये के बाद, फौज की तरफ से डेटा चोरी का जो मामला है इसमें मजीद जानकारी दी गई है कि 3 जवानों से तफ्तीश हो रही है नॉर्थन कमांड के अंदर, यानी आप शुमाली हिस्से के अंदर देखेंगे तो सबसे बड़ा ये कैंप फौज का या सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की इस हिस्से के अंदर वो इस नॉर्दर्न कमांड पर रहती है, जहां पर इल्जाम ये लगा था एक जवान पर कि उसने पाकिस्तान के साथ या सरहद पार बैठी कुछ एजेंसियों के साथ जो जरूरी डेटा था, खसूसी डेटा था, उसे ना सिर्फ लीक किया, वायलेशंस को ब्रीच किया, बल्कि पाकिस्तान के बैठे कुछ लोगों के साथ उस डेटा को शेयर भी किया गया। जो अंदरूनी जानकारी थी फौज की वो सरहद पार पहुंचाई गई, जिसके बाद एक जवान से पूछताछ हुई थी और हेडक्वार्टर के अंदर डेटा ब्रीच का जब मामला मजीद इसमें आगे बढ़ा, तहकीकात हुई, तो 3 मजीद जवानों को नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर इनसे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश हो रही है। और बड़ी बात यह कि एक बड़ा रैकेट सरहद पार तक हो सकता है, जो सरहद के इस पार भी काम करने में मसरूफ था, और फौज का डेटा जो खसूसी डेटा था, जरूरी डेटा था, वो चोरी होने का मामला सामने आया था। और इस बीच आपको एक बताते चले कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग 16 कॉप्स के, जिनकी तरफ से उसी दिन जानकारी दी गई थी जब पहले जवान को यहां पर उनसे पूछताछ हुई थी, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाज़ाब्ता करके पहले जवान से पूछताछ हुई थी, लेकिन अब पूरे इस सर्कल में मजीद 2 जवानों के साथ कुल मिलाकर 3 लोगों से अब तक तफ्तीश की जा रही है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जहां खुद जनरल ऑफिसर कमांडिंग 16 कॉप होंगे, वहीं पर 2 मेजर जनरल भी उसके मेंबर है, और डाटा ब्रीच के मामले पर लगातार पूछताछ जो है वो इस वक्त चल रही है। फौजी ज़राया के मुताबिक जो हमारे पास सोर्सेस है, उनका ये मानना है कि नारकोटिक का एक मामला, यानी मंशियात के मामला, मंशियात का एक ग्रोह है जो इस रैकेट को, ड्रग्स रैकेट के हवाले से इन तक पहुंचा था, और यहाँ पर यह ब्रीच हुआ था, डाटा ब्रीच होने की खबर सामने आई थी, और एक पेन ड्राइव जब तफ्तीशी एजेंसियों के पास पेन ड्राइव लगी थी, तब पता लगा था कि इस जवान के पास वो हसास मालूमात पहुँची थी जो शायद उनके पास नहीं होनी चाहिए थी। तो डाटा ब्रिज के मामले में एक नई पहल अब यह है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, और फौज 3 लोगों से इस वक्त पूछताछ कर रही है कि डाटा ब्रीच के मामले में उनको और क्या कुछ करना था, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें लगा दी गई है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ जब ये मामला आया था, ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला था, तो उस दौरान ये पूछताछ हुई थी, जिस दौरान तार कहीं ना कहीं आर्मी के जवान तक आए थे, जिसके बाद अब ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है कि नॉर्दर्न कमांड के अंदर 3 लोगों से पूछताछ चल रही है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें बिठा दी गई है। ज़रा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और माना जा रहा कि रवा माह के आखिर तक
इस केस के अंदर मजीद पेशरफ्त तो हो सकती है और मजीद डिटेल जो है वो सामने भी आ सकती है। तो ये खबर थी जनाब आर्मी के हवाले से, जो डाटा ब्रीच हुआ है कि उसमें क्या कुछ नॉर्दर्न कमांड के अंदर चल रहा है और किस तरीके से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो शुरू की गई है वो क्या कुछ कह रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं सीज फायर के हवाले से, क्योंकि बात जब आर्मी की हो रही है तो आर्मी के जिम्मे सरहदों की हिफाजत भी है। और इस वक्त का एक और बड़ा बयान जो आया है वो लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। एक हफ्ते भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को लेकर पेशरफ्त हुई थी, बातचीत हुई थी और उस गुफ्तगु को एक मुस्बत पहल करार दिया जा रहा। पुरमन माहौल को यकीनी बनाने में फौज का अहम रोल है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू जो कि नॉर्दर्न कमांड के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और मिलिटेंट कमांडरों की हलाकत के बावजूद भी खतरा बरकरार है, लेफ्टिनेंट जनरल राजू का मानना है। खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उनने इन तमाम चीजों का जिक्र किया। बड़ी बात यह कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है उससे न सिर्फ सरहदी इलाकों में बल्कि अंदरूनी हिस्से जो जम्मू कश्मीर के वहां पर भी अमन के माहौल को कायम रखने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का मानना है कि मौजूदा वक्त में इस तरह के मुआहदे पर इंसानी जानों को जाया होने से बचाना इस वक्त सबसे बड़ा, ये जो मुआहदे पर बातचीत हुई है ये प्ले रोल प्ले कर सकता है और इसके बावजूद भी खतरात जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। खासतौर से मिलिटेंट कमांडर्स की हलाकत हुई है, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चले हैं। इन ऑपरेशंस के बावजूद भी जहां पर नुकसान काफी ज्यादा मिलिटेंट कमांडर्स को ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचाया गया लेकिन खतरात अभी टले नहीं है। और एक अहम पेशरफ जो पिछले हफ्ते हुई है न सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू बल्कि फौज की आला क्यादत भी इस अहम पेशरफ को मुस्बत पहल करार देकर इसका खैर मकदम करती नजर आई है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का मानना है कि सरहदें खामोश हुई हैं लेकिन दरअंदाजी की कोशिशें भी कम हो रही हैं, ताहम फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रही है। वहीं पर उनका यह मानना है कि जहां मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान बड़े मिलिटेंट कमांडर्स को मारा गया है, ताहम अभी भी उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को चुनकर अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। बीएस राजू का मानना है कि सॉफ्ट टारगेट्स का मतलब वो हैं जो निचली सतह पर लोग काम करते हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम करते हैं जिनमें पंच सरपंच और दीगर लोग हैं वो इजी टारगेट पर रहते हैं और मिलिटेंट कभी भी निशाना बनाकर अपनी प्रेजेंस और अपनी दहशत को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोऑर्डिनेट मैनर में ऑपरेशन चलाए गए हैं साल 2019 से लेकर आज तक उसके मस्बत नतीजे यह है कि बड़े मिलिटेंट कमांडर या तो मार गिराए गए हैं या कुछ मिलिटेंटों ने सरेंडर भी किया है, जिससे एक नई पहल शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले साल के दौरान हालात और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का बड़ा बयान जहां सीज फायर को लेकर है वहीं पर अंदरूनी सलामती सूरत हाल के हवाले से भी उनके बयान को इंतहाई अहमियत के साथ देखा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ा फैसला हुआ है और यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से इस सिलसिले में जो सत्साला तकरीबात होती हैं या इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं इस पर एक नया प्रोग्राम हाथ में लिया गया है और माना जा रहा है कि वजीर अजम इस प्रोग्राम को हरी झंडी खुद दिखाएंगे। जब यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होंगे 15 अगस्त को, तो उससे पहले सरकार की तरफ से सियाहत को फरोग देने के लिए मुल्क गिर प्रोग्रामों का इनेकाद करने की तैयारी की गई है और न सिर्फ मुल्क के बड़े शहरों में जहां पर मार्च 12 से डांडी फेस्टिवल का अहतमाम होगा, वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे। ये उस बड़ी तैयारी की तरफ पहला कदम होगा जो 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म डांडी फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे लेकिन 75 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से 2022 में जब 75 साल यौम आज़ादी के पूरे हो जाएंगे तो सरकार की तरफ से उससे पहले 75 ऐसे मकामात हैं जहां पर पूरे मुल्क के अंदर जिनकी निशानदेही की जाएगी और इन सभी 75 मकामात के जरिए सियाहत के फरोग के लिए सियाहती नक्शे पर लाने के लिए कोशिश की जाएगी। सरकार की तरफ से मुख्तलिफ यूथ क्लब्स हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के तहत नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जबकि स्पोर्ट्स महकमे के अश्तराक से भी कोशिश ये होगी कि मुल्क के अंदर साइकिल रैली का इनेकाद होगा, प्रोग्राम सेमिनार वॉक्स का अहतमाम किया जाएगा और जब 2022 में 75 साल मुकम्मल होंगे तो उससे पहले
75 ऐसे डेस्टिनेशन को, ऐसे मकाम को सरकार उनकी निशानदेही करेगी, जहां से ये वाजे पैगाम जाएगा कि मुल्क के अंदर सयाहों के लिए माहौल भी बेहतर है और सयाहत के लिए मौके भी, इसके लिए कोशिशें मरकजी सरकार ने शुरू कर दी। इस बार जो टैगलाइन है आजादी का अमृत महोत्सव, इसका टैगलाइन दिया गया है और ये 75वीं सालगिरह से कबल ये सिलसिला शुरू किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आज़म 12 मार्च को इसका इफ्तिताह करेंगे और मुल्क भर के अंदर मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म की तरफ से ये मेगा प्रमोशन बूस्टिंग जो हाथ में लिया गया है, इससे सयाहों को पूरी दुनिया से मुल्क के अंदर लाना और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लाने एक बड़ा मकसद होगा। इधर बावसुख ज़राए से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इसमें जगह दे दी गई है, यानी इन प्रोग्रामों के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी सरफरिस्त रखा गया ताकि सयाह ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर रागिब हो। इस सिलसिले में जो जामिया हिकमत अमली को अडॉप्ट किया गया, जिन प्रोग्रामों को तरतीब दिया गया है, उनमें इन दोनों यूनियन टेरिटरीयों का नाम भी फहरिस्त के अंदर शामिल किया गया। तो बहरहाल 12 फरवरी को बाज़ाब्ता 12 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर ये प्रोग्राम चलेंगे और पूरी दुनिया के अंदर इस ब्रॉडकास्ट को दिखाया जाएगा ताकि सयाह बाहर जो है, जो ही रेस्ट्रिक्शंस इज आउट होंगी, कोरोना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, तो बाहर के सयाह भी आ पाएँ और सयाहत को एक बड़ा जो धचका लगा साल 2019-20 के दौरान और 21 के दौरान, उस पर कहीं ना कहीं काम हो सके। इस हवाले से इस प्रोग्राम को इंतहाई अहमियत के साथ जम्मू कश्मीर के नुक्ते निगाह से देखा जा रहा है। तो ये खबर इसलिए अहम कि मुल्क भर के अंदर ये प्रोग्राम होगा लेकिन उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी साफ देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं जी अपनी एक और बड़ी खबर की ओर। चलिए बात जरा उस टीम की भी करते हैं जो मरकजी टीम है और आज जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में, जहां पर कोशिश यह है कि एक बड़ा सेंटर कायम किया जाए। श्रीनगर के अंदर पहले ही तैयारियां की गई हैं और उस मकाम की निशानदेही भी की जा चुकी है जहां पर श्रीनगर के अंदर सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन सेंटर कौन सा है जिसके लिए जम्मू आज एक खसूसी टीम पहुंचने जा रही है। इस बीच आपको उससे पहले बताते चलें कि हज के हवाले से बड़ी खबर है कि मुल्क के अंदर जहां पर कोशिशें ये थी कि हज 2021 से कम चलिए जी बड़ी खबर आपको जरा पहले हज के हवाले से बता दें कि आजमीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता वर्ष आपको याद होगा कोरोना की वजह से महदूद अंदाज में सऊदी हुकूमत ने हज को करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इस बार टीका नहीं तो हज नहीं, सऊदी हुकूमत की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है और ये टीका कोरोना वैक्सीन वाला मामला है। वजारत सेहत सऊदी हुकूमत ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर टीका नहीं तो हज भी नहीं होगा। गुज़श्ता वर्ष सिर्फ 1000 लोगों ने हज का फरीजा अंजाम दिया था। सऊदी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सऊदी अरबिया की वजारत सेहत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए आना चाहते हैं साल 2021 के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होगा कि वो वैक्सीन अमल का इख्तियार करें, अपने अपने मुल्कों के अंदर वैक्सीन करवाएं, तभी जाकर सऊदी हुकूमत उन्हें अलाउ करेगी हुकूमत के हदूद हरम के अंदर या हज के लिए आने के लिए। और इस सिलसिले में सऊदी के जो ज़राए अब्लाग है, जो मुख्तलिफ अखबारात हैं, उनकी तरफ से वाजिया खबर को शाया कर दिया गया है। साल 2020 में सऊदी हुकूमत ने जो हरसा जो रिवायती हज के लिए लोग जाते थे उसको रोक दिया था क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा था। 1000 लोगों की तरफ से सिर्फ वहाँ पर शिरकत की गई थी और अब यह है कि आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी होगा और इस बार अगर टीका नहीं तो हज भी नहीं हो सकता है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं हज के हवाले से और जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए फॉर्म जमा कर चुके हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि सऊदी हुकूमत की वजारत सेहत की तरफ से जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उन गाइडलाइंस के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे अव्वल बात जो है वो ये है कि आपको कोरोना वैक्सीन यानी जो कोविड-19 से बचाव का टीका है, वैक्सीन है, उसको लगाना जरूरी कर दिया गया है। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे और बात जब वैक्सीन की हो रही है तो वैक्सीन का अमल पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से चल रहा है,
इस खबर से आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले हम देख रहे थे कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वैक्सीन का अमल चलाया जा रहा था, लेकिन मरकजी वजीर सेहत और मरकजी हुकूमत की तरफ से अब यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वैक्सीन कारी का अमल जो है वो 24 घंटे और 7 दिन यानी 24/7 शुरू किया गया है। और कोवैक्सीन जिसके लिए काफ़ी कुछ बातें कही जा रही थी, उसकी तीसरी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन 81% कारामत साबित हुआ है। 81% वैक्सीन ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं और मरकजी हुकूमत ने अब यह साफ कर दिया है कि टाइम लिमिटेशन खत्म, क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीन कारी करनी है इसलिए 24/7 अब हर मरकज पर, यानी सरकारी मरकज हो या प्राइवेट इदारे हो, जिन्हें स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिन्हें रोप इन किया गया है वैक्सीन कारी के लिए, वहां पर 24/7 वैक्सीन कारी का अमल शुरू किया जाए। और आपको याद होगा कि पूरे मुल्क के अंदर दो वैक्सीन जिनको सबसे पहले मंजूरी दी गई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने तैयार की थी, इमरजेंसी में जब इनको अप्रूवल मिला हंगामी बुनियादों पर मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने मंजूरी दी, तो उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है जहां पर कोवैक्सीन के मुतल्लिक अब जानकारी खुद भारत बायोटेक की तरफ से दी गई है कि पूरा सर्वे बताता है वैक्सीन के इस अमल के दौरान 81% नतीजे जो मुस्बत साबित हुए हैं, मुअसर साबित हुई है ये वैक्सीन, किसी किस्म का नुकसान या नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं पर साइड इफेक्ट किसी भी मरीज पर नहीं पड़ा है। और बड़ी बात ये कि 16 जनवरी से अब तक जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन जिसका इस्तेमाल पूरे मुल्क के अंदर हुआ है उतनी ही शराह में हुआ है जितना कि कोविशील्ड नामी वैक्सीन मुल्क के अंदर इस्तेमाल की गई है। तीसरे फेज के अंदर भी मुल्क के अंदर 25,800 ऐसे जो लोग हैं जिनने कोवैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाया, जिनको प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अब ये वैक्सीन भी दी जाएगी, यानी कोवैक्सीन कोविशील्ड के साथ साथ। और दूसरी बड़ी बात कि जो टाइमिंग में चेंजेस की हैं उसके साथ साथ थर्ड फेज के अंदर अब तक पूरे मुल्क के अंदर वो लोग जिनकी 18 से 98 साल तक की उम्र थी 25,800 इनकी तादाद बनती है, 2,433 उन लोगों की तादाद बनती है जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और या फिर अगर किसी बीमारी में मुब्तला थे तो उन लोगों का भी रजिस्टर हुआ वैक्सीनेशन अब तक थर्ड फेज में जिनका हो चुका है। सिर्फ ये वैक्सीन जो कोवैक्सीन जिसके 81% नतीज मुअसर साबित हुए हैं इसी वैक्सीन के मुताबिक आपको ये आदादोशुमार बता रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात कि 16 जनवरी से अब तक यानी तकरीबन 1.5 महीनों के दौरान इस वैक्सीन के जो पूरे मुल्क के अंदर 1,56,00,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, 50% के करीब ऐसे लोग हैं जिनने भारत बायोटेक की ये वैक्सीन ली है, यानी जितनी कोविशील्ड ली गई जिसका ट्रायल बेसिस पे और उसके बाद सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था और उतना ही इस्तेमाल अब तक इस वैक्सीन का भी पूरे मुल्क के अंदर। कुल मिलाकर हम ये देखें कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को फिलहाल वैक्सीन कारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया और अब मरकजी हुकूमत ने दायरा जो है उसको और मजीद वसी कर दिया है। 24/7 वैक्सीन कारी का अमल चलेगा और आज मनोज सिन्हा साहब जम्मू के अंदर वैक्सीन लगाएंगे, यानी कोविड जो लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वजीर अजम के बाद छोटे बड़े लीडर्स लगातार वैक्सीन लगा रहे हैं, आज मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो हैं वो आज जम्मू के अंदर अपना वैक्सीन लगाएंगे और उन्हें बाज़ाबता तौर पर रजिस्ट्री करने के बाद आज वो अपना वैक्सीन लगाएंगे। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर वैक्सीन लगाया था जिसके बाद काफ़ी अच्छे नतायज आसपास देखने को मिले थे और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर वैक्सीन लगा देंगे जम्मू के अंदर, ये भी एक खबर जो है वो डेवलप हो रही है। और कुल मिलाकर वैक्सीन जो कोवैक्सीन है 81% उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आया है, यानी इस वायरस से लड़ने के लिए 81% पॉजिटिव रिजल्ट उसका आया है और लगातार तीसरे ट्रायल के अंदर ये कामयाब तजुर्बा जो है वो माना जा रहा। तो कुल मिलाकर फिलहाल वैक्सीन कारी का अमल जारी है और अब सरकार ने इसमें नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है जो हमने आपको बता दिया कि अब 24/7 वैक्सीन होगा सरकार के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर भी इसको कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं तो आज का दिन जम्मू के एतबार से काफ़ी अहम है क्योंकि जम्मू के अंदर पिछले कई दिनों से जो लगातार बात आ रही थी कि हाई पावर कमेटी आ रही है उस कमेटी का आज दौरा हो रहा है दिल्ली से, थोड़ी देर में एक हाई पावर कमेटी जम्मू जाएगी जहां पर वो उस जमीन का मुआयना करेंगी जहां पर हाई सेंटर जो है वो बनने जा रहा है, सेंटर सब रीजनल सेंटर
जो साइनस सेंटर है वो बनने जा रहा है। और यहाँ पर टीम जम्मू टीम के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि फाइनली जो है वो सेंटर की टीम आज उन साइट्स का मुआयना करेंगी, उन जगहों का मुआयना करेंगी जो सूबाई इंतजामिया की तरफ से रखी गई हैं। किसके लिए रखी गई हैं? रीजनल साइंस सेंटर बनाना है, रीजनल साइंस सेंटर बनाना है जम्मू के अंदर, और इसकी तामीर के लिए मरकजी हुकूमत 100% फंड जो है वो मरकजी कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसकी तामीर का कोई भी बर्डन नहीं होगा, नो बर्डन ऑन J&K, ये साफ कर दिया गया है मरकज की तरफ से। और 100% फंडिंग जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से की जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है निरुपमा, और उनके साथ डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM एस कुमार, वो आज जम्मू पहुंच रहे हैं जहां पर वो सूबाई इंतजामिया के अफसरों के साथ तबादला ख्याल करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ तबादला ख्याल करेंगे और उन जगहों का मुआयना करेंगे जहां पर इस सेंटर को बनाने की अर्जी दे दी गई है, यानी जो प्लान बनाया गया है। अब वो साइट्स कौन कौन सी है, सरकार के अंदर जो हमारे ज़राया है वो बता रहे हैं कि साइट एक मीरा साहब के अंदर रखी गई है, दूसरी बरी ब्रह्मला के अंदर साइट है जहां पर ये सब रीजनल सेंटर सब रीजनल साइंस सेंटर को बनाया जाएगा। फिजिबिलिटी को देखेगी यह हाई पावर कमेटी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से अप्रूवल आएगा और यहां पर यह काम शुरू होगा। अब इस म्यूजियम या इस साइंस सेंटर के बनने से क्या फायदा होगा? जो लोग रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है कि इस तरीके का सेंटर यहाँ पर बनेगा, और लगातार मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पिछले कई सालों से इस बात की आवाज़ हो रही थी कि इस सेंटर को बनाया जाए। तो फिलहाल जम्मू से बड़ी खबर ये कि आज मरकजी टीम जा रही है, दो साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, एक तो वो साइट को फाइनल करेंगे और दूसरी बात ये कि सूबाई इंतजामिया के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आला अफसरों के साथ भी तबादला ख्याल होगा, जिसके बाद जम्मू के अंदर इस बड़े सेंटर पर काम शुरू किया जाएगा। तमाम 100% फंडिंग मरकजी हुकूमत की तरफ से होगी और कल्चरल मिनिस्ट्री इसको फंड करेगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सब रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंदर, जहां पर लाल मंडी श्रीनगर में पहली ही जगह का तयन किया जा चुका है, निशानदेही हो चुकी है, लेकिन जम्मू के अंदर दो हिस्से बड़ी ब्राह्मणा और मीरान साहिब, यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो सकती है। अब जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी क्या थी कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ जमीन देनी थी, बाकी जो सब रीजनल साइंस सेंटर कायम करना वो मरकजी सरकार को करना है। और इसका मकसद ये होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, सेमिनार होंगे, एग्जीबिशंस होंगी, जम्मू कश्मीर के मकामी जो फनकार हैं, जम्मू कश्मीर के मकामी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के मकामी जो एग्जीबिशनर्स हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म, एक बेहतर सहूलत देने के लिए जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों को चुना गया है कि यहाँ पर सेंटर्स होंगे। और कभी अगर मरकजी मुआवनत वाली किसी स्कीम के तहत तो सब रीजनल सेंटर्स के लिए अब जमीन की निशानदेही जो हुई है उन मकामात का, जिनका पहले ही इंतजामिया ने जो रिपोर्ट्स तैयार की थी वो आज टीम के सामने रखी जाएंगी। तो कमेटी के अहम रुकन आज जम्मू पहुंच रहे हैं और इस सिलसिले में दो मकामात हैं, बड़ी ब्राह्मणा और उसके साथ साथ मीरान साहिब, यहां पर आज इस पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है कि सब रीजनल सेंटर दोनों में से किस मकाम पर बनाया जाएगा। चलिए अब खबर जरा NPR के हवाले से भी बताते हैं आपको। मुल्क के अंदर साल 2020 में जब मर्दमशुमारी की बात हुई थी तो काफी ज्यादा हंगामा भी इस पर हुआ था, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से
मरकजी सरकार को घेरा गया था, लेकिन मुल्क के अंदर अब मरदमशुमारी के अमल के लिए तैयारियां तेज हो गई है। और इस सिलसिले में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI की तरफ से बाजाबता जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो पहले मरहले के तहत और सेंसस जो है उसका आगाज कर दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के अंदर भी कैसे इस पूरे अमल को मुकम्मल किया जाए इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। NPR को लेकर मुल्क भर में मुहिम चलाई जाएगी, सरकार ने यह साफ कर दिया है। और इस मुहिम का मकसद होगा कि मरदमशुमारी के इस अमल को तकरीबन साल के आखिर तक क्या मुकम्मल किया जा सकता है या नहीं, ये तमाम चीजें फील्ड ट्रायल्स में सामने आएगी। और पेपरलेस मरदमशुमारी के लिए मॉडल तैयार कर लिया है सरकार ने, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। NPR साल 2020 में जब सरकार की तरफ से कुछ रूल्स फ्रेम किए गए थे और डॉक्यूमेंट उसके बाद जारी किया गया था तो ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी इस पर काफी ज्यादा हंगामा आराई देखने को मिली थी, काफी बहस का मौजू बन गया था। लेकिन अब सरकार ने उसको जमीनी सतह पर अब लाने के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। पेपरलेस बिना किसी पेपर के इस्तेमाल के मरदमशुमारी के मॉडल को तैयार करके इस अमल को आगे बढ़ाने की तैयारियां की गई हैं। और पूरे मुल्क के अंदर सरकार की तरफ से 9 जनवरी 2020 को जहां पर पहले इस पर 31 कॉलम जो है वो नोटिफाई किए गए थे और उसके बाद किस तरीके से इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा, आज 2021 आते आते सरकार की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मुहिम चलाने की भी तैयारी कर ली गई है ताकि तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज का डेटा डिटेल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार के पास पहुंच सके और उसके बाद इस मरदमशुमारी के अमल को साल भर के अंदर मुकम्मल भी किया जा सके। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक हदबंदी कमीशन के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त खासतौर से श्रीनगर के अंदर जहां पर गुज़श्ता कई माह के दौरान सयाहों की तादाद में इजाफा देखा गया और जम्मू कश्मीर के आदादोशुमार कुछ आपके सामने रखेंगे। दोनों बड़ी खबरें लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।